तिरखे संघर्ष के राह पे मेरे किसान वीर मजदूर वीर व्यापारी साहबान ते खास करके मेरिया बेटिया ते मेरिया भैणा पहला फतेह सांझी करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं थोड़े नाल दो तीन गल्लां सांझियां करनियां। हर एक लीडर की गल शांतमई ढंग दे नाल सुनो। पंजाब दे विच मोर्चा लगे नूं 7 महीने हो गए ने ते दिल्ली दियां दरां ते गया नूं 5वां महीना चढ़ गया, 5वां महीना लग गया गा। कई बार आपां इह गल कह दिंदे आ भी सरकार दे कन्न ते जूं नहीं सरकी। नहीं मेरे किसान वीरो, सरकार दे कन्न ते जूं सरकी है, सरकार दे कन्न ते जूं 1 हफ्ते बाद सरक गई थी। 26 तरीक नूं जदों असीं पंजाब दे विचों दिल्ली कन्नी मादा मार्च कीता दी तैयारी कीती थी, सरकार दा एक बयान आया भी किसान लीडरां नाल 3 तरीक नूं मीटिंग कीती जाऊगी। सरकार सोचदी थी भी खावनी मीटिंग दी झाक दे विच किसान आपदे दोलन नूं पिछे पा देणगे। जदों सरकार नाल मीटिंग होई, मेरा ख्याल है दूजी तीजी मीटिंग दे विच सरकार ने एक गल कही भी जिहड़ा बिजली एक्ट है उहनूं असीं खत्म कर दिंदे नहीं लागू करांगे, जिहड़ा पराली एक्ट है उहनूं असीं खत्म कर दिंदे नहीं लागू करांगे। ते साडी लीडरशिप दा जवाब तीगा तोमर साहब, जदों साडे कोले जमीन ही ना रही फिर असीं कीड़ी पराली नूं अग ला लांगे। ते जदों साडे कोले जमीन ना रही असीं कीड़ियां मोटरां ते सबसिडी लै लांगे। मेरा कहण दा मतलब पहली बार सरकार दे कन्न ते जूं सरकी। फिर सरकार ने पेशकश कीती भी जिन्ने नुक्ते ने असीं लिख के दे दिंदे आ, जिहड़ा नुक्ता सोनू माड़ा लगे उहते तुसीं काली शाही ला दिओ। 12 नुक्ते किसान लीडरां नूं सरकार ने आपदे हत्थी लिख के दिते। साडे पढ़े लिखे लीडर बैठे ने राजेवाल साहब, 12 दे 12 नुक्ते कल्ले किसान विरोधी नहीं थी, कोई मजदूर विरोध कल्ले विरोधी नहीं थी, कोई कल्ले व्यापारी विरोधी नहीं थी। 12 दे 12 नुक्ते मेरे किसान वीरो देश विरोधी थी, गए देश विरोधी 12 दे 12 नुक्ते ते सारे ते काली शाही लागी। ते फिर मंत्री कहिंदे ने असी 12 दे 12 नुक्ते पासे रख दिंदे आ ते सानू 3 खोखे रख लैण दिओ, जिवें उहदे कणक पाउणी हुंदी है 3 खोखे रख लैण दिओ। सानू भी लगदा हो खोखिआं नाल कोई फर्क नहीं पैणा। असी इस गल नूं समझा भी सरकार क्यों रखणा चाहुंदी थी। फिर सरकार मेरे किसान वीरो आई, असीं इहनूं 1.5 साल लई सस्पेंड कर दिंदे आ, फिर कहिंदी 2 साल लई, इत्थों तक आ गई भी 3 साल लई सस्पेंड करा लो। ते जिवें सानू सारिआं नूं इह समझे भी इहनां नूं ज्ञान नहीं लीडरां नूं, असीं सरकार नूं इह गल कही साडे लीडरां ने जे कोई मुलाजम सस्पेंड किया जाए उहदा उचला अधिकारी उहनूं 6 महीनिआं बाद बहाल कर सकदा है।
ते तुसी जिद्दे मर्जी इहनूं बहाल कर दो, सोडी इह गल असीं नहीं मन्नांगे। मेरे किसान वीरो, मेरा कहण दा मतलब इह नुक्ते 99% लोक विरोधी ने। मोदी नूं मैं इक गल जरूर कहना भी उन्हें ठीक कीता, कदे असीं सोचिया नहीं सीगा भी मजदूर किसान व्यापारी मुलाजम ते खास करके आरती है भी असी एक स्टेज ते हो जाएंगे। मोदी ने सानू कट्ठे करता, मेरा ख्याल है ये रास्ता कोई माड़ा नहीं होया, लड़न वास्ते चंगा ही होयागा जेड़े एक प्लेटफार्म ते आ गएंगे। जिद्दे नुक्ते पिछले साल तैयारी की है लिया ने, पहला की चीज लिया याद करो, इस महीने के बच्च लोगों कोई पता नहीं, इको लागत कहता बीमारी आ गई जी, बीमारी आ गई, सारे लोग सहम गए, मूंह बनाते डंडे दे जोर ते अंदर बंद करते, फिर लोक विरोधी कानून लियांदे। सब नो पहला कानून मजदूरां दे विरोध च लियांदा, ज्यादे सोचण वाली गल है वो की किसे ठमे 18 घंटे दिहाड़ी हुंदी हुंदी है, साडे बड़ बडेरियां ने खून डोल के उस नूं 8 घंटे कराया, ते मोदी ने बीमारी लिया के बीमारी दिखा के साडा मूंह बना के ते दिहाड़ी 12 घंटे करती। तुसी दिमाग दे विच इह गल ना पाल लियो, किते दिहाड़ी जिहड़े स्टूल कास्ट ने उही करदे ने, आपां जिन्ने बैठे आ जे इत्थे दिहाड़ी 12 घंटे लागू होगी ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਜਵਾਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ 12 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਗਵਾ ਮਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਡਰਾਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਧਵਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੱਥ ਧਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ। ਆਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਚੋਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਸਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਾਹੇ ਰੁਪਈਆ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਫੇਰ ਲਵੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
अगली गल इत चर्चा का विषय बनया छोटे इलाके दे विच मेरा ख्याल है सानू संयुक्त मोर्चे नू थोड़ा जा संजोग रखना पैंदा जे कह दिए आपदे दोलन नू ध्यान दे नाल चलाउणा पैंदा दोलन हमेशा वास्ते तीन चार गल्लां नाल जित्तिया जांदा एक दोलन जित्तिया जांदा लोकां दा कट्ठ ते कट्ठ दा ना दिल्ली तोड़ा ते जिथे कट्ठ करदे ना उत्थे तोड़ा ना अज इत्थे कट्ठ दा तोड़ा बहुत ज्यादा कट्ठ है। दूसरा दोलन पैसे नाल जित्तिया जांदा है ते संयुक्त मोर्चे कोले जे कह दिए लोगों ने सहायता भेजी है बाहरों भेजी है पैसा पूरा मनी पूरी है। तीसरा खुराक नाल ते खुराक पूरी है कल मानसा जिले के विचों एक ट्राली कल आटे की भर के गई है ते मैनू फोन करिया प्रधान जी कित्थों मैं पंजाब चलिया गया कहिंदे सोथों आदे उद्घाटन करवाउणा सीगा मैं कोई नहीं होर लीडर सद लो किसी जथेबंदी का आ जाए तुसीं उहनूं बन दो आटे नूं मेरा कहिंदा ये चीज़ां। चौथी गल जे साडा प्रैस संजोग करे तां साडा दोलन जित्तिया जा सकदा है पर पंजाब दी प्रैस साडी प्रैस जिहड़े साडे पक्षी प्रैस है उन्हें साडी बहुत ज़्यादा मदद की है ते साडे दोलन नूं बहुत वधिया उन्होंने दिखाया ते जिहड़ी मोदी दी मीडिया साडी विरोधी है उन्हां नूं साडी इक गल मिल जे उहनूं सौ बारा दूजे पासे जोड़दे नेगे। अगली गल मेरे किसान वीरो जिहड़ी मैं अगली गल कहण जा रहा अंदोलन हमेशा वास्ते तां जित्तिया जा सकदा है जे असीं अंदोलन नूं शांत चलावांगे ठंडे मते नाल रखांगे। ये मैं क्यों गल लिआंदी है असीं वारिश कहिंदे आ असीं वारिश हाँ दसे पातशाहियां दे असीं वारिश हाँ दसे बादशाहियां दे इक कौम दे जनेऊ लै रहे थी ते तेग बहादुर दा असीस कट्टण दी तैयारी करी जा रही थी किसे नूं देगां दे विच बालिया जा रहा सीगा किसे नूं आरे ते चढ़ाया जा रहा सीगा किसे दा बंद बंद कट्टिया जा रहा सीगा। उस मौके संघां ने कहा गुरू जी हुक्म दिओ दिल्ली दी इट नाल इट खड़का देंगे पर साडे गुरु ने की कहा नहीं दोलन भाणा मन के चलाओ भाणा मनो असी साडा दोलन भाणा मन के चला रहे हैं मोदी की कोई ताकत नहीं साडे दोलन नूं खेड़ दूआ दी कोई ताकत नहीं उहदी सरकार की ताकत नहीं। मैं जदों अंदोलन की तैयारी चल रही थी मैं दिन ते रात की मेरी जथेबंदी की एक मीटिंग सदी भी तैयारी कर लो अंदोलन बड़ा चलना है। जदों दिन चढ़िया मैनू वर्करां ने एक ही सवाल करता कहिंदे प्रधान जी जदों सरकार सारे हीले हार गई फिर सरकार की करूँ। हुण देख लो भरावो सानूं पहलां पता सीगा मैं वर्करां नूं इक्को ही कहा जदों सरकार सारे हीले हार गई फिर इन्हां दे आरआरएस दे 25,000 गुंडा उन्हां नूं ट्रेनिंग दित्ती होई है फिर उह साडे ते हमला उन्हां किन्नियों कराउणगे। भरावो उही गल होई 26 तों बाद जाके टकाइन ते हमला कीता वो साडा हंडिया होया लीडर ती सियाणा लीडर ती गल नूं सांभ गया वो धरने तो हल्या नहीं ते दुबारे अंदोलन जे कह दिए पैर ला गया फिर हमला उन्होंने किथे कीता गुंडिया ने फिर हमला कीता राजस्थान दे हजार मुंडा गाहां बैठा सीगा पुलिस वालियां वर्दियां पा के किड्डी शर्म वाली गल है ते जाके उत्थे हमला कीता वो मुंडिया नूं जिहड़े मगर सियाणे बजुर्ग बैठे थे उन्होंने आके बचाया फिर हमला किया साथों मूहरे स्टेज चलती है। उस समय मैं उत्थे थी खुद उत्थे थी मैं आपकी अखी वेख्या गा गुंडिया ने आके दिन दिहाड़े हमला किया
पर गुंडे सोडे दोलन हिला नहीं सके, उन्होंने मूँह की खानी पी तो वापस जाना पाया, दोलनों में जचया रह गया। इस करके बेनती करना आ, हाड़ी आ गई, मैनू पता है तुसी किसी ने हत्थी कणक नहीं बढ़नी, जिहड़े ने हत्थी कणक बढ़नी है वह हथ खड़ा कर दो, जमा दिल्ली ना जायो। जिन्हें हत्थी बढ़नी है वह मशीन ने बढ़नी है, वह कपैन ने बढ़नी है, मशीन ने तूड़ी बनानी है। मैं एक गल कहना हुंदा हरकतां सिख धर्म दे विच, जे कोई हजूर साहब ना जावे कहिंदे उह सिख नहीं, तो मैं एक गल कह के जाना, जिहड़ा दिल्ली दे धरने च ना जाऊ वह पंजाबी नहीं हैगा, वह पंजाबी नहीं हैगा। सुन मैं एक बेनती करदा, ये इलाका चर्चा का विषय बनया, जगिंदर सिंह बोल के गए ने जदों उन्हां नूं पिंडां दे विच बड़न ही नहीं दिंदे, फिर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर क्यों पिंडां जांदे ने? कोई असी अज नहीं कहा, असी उहदे तों कहा भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर होवे, कोई आगू होवे, उन्हां दा समाजिक बाईकाट करना है। जदों सारे लोगों ने 99% लोगों ने थोड़ा समाजिक बाईकाट करता, फिर तुसी पिंडां च लैण की आउंदे हो, इत्थे करन की आउंदे हो? फिर तो भरावो उही होऊ जिहड़ी तुसी पिछले दिनां च कीती है, लोग उही कुछ करनगे जिहड़ा तुसी पिछले दिनां च कीता है जदों उह पिंडां दे विच आउणगे। मैनूं सवाल करता प्रैस वाले ने, कहिंदे जी हरियाणे दे विच इन्हां दी सरकार है, मखा जे हरियाणे दे विच इन्हां दी सरकार है फिर खट्टरा दा हैलीकॉप्टर क्यों नहीं लाउंदा, ला के दिखावेगा, जा उहदा उप मुख्यमंत्री हैलीकॉप्टर ला के दिखावे। भरावो हरियाणे वाले आपां तों मूहरे निकल गए, मेरा ख्याल है। मैं एक गल जरूर कह के जाऊँगा, कांग्रेसी पिंडां च आउंदे ने, अकाली पिंडां च आउंदे ने, आम पार्टी वाले पिंडां च आउंदे ने, उन्हां तों पुछो सवाल, हजे उन्हां दे कपड़े कुपड़े नहीं लाउणे, उतों रखियो थोड़ी जी बचत, उन्हां तों कल्ले सवाल पुछ लो। मुख दुश्मन कल्ली भारतीय जनता पार्टी है, उहनूं मुख दुश्मन ना पिंडां च बन देईए ना शहरां च बन देईए, चाहे सानूं किन्नियां भी कुर्बानियां देनियां पै जाण। इस करके यही बेनती करना आ, अंदोलन दे विच सोडी हर वक्त दिमाग सोच समझ अंदोलन दे विच चाहीदी है। अंदोलन दीआं जड़ां पताल च लागियां, पताल च मोदी ने तां किल गड्डे दी 1.5 फुट दे, उस अंदोलन दे विच घट्टो घट 300 मोटर लागी पाणी वाली, जिहड़ी कहिंदी है 150 फुट डूंघी लगदी है, ते साडियां जड़ां पताल च लागियां, पक्के शैड पा ले, किहड़ा साडे अंदोलन नूं हिला दूगा? इस करके बेनती करना आ, इन्हां दा इक जिवें चंगा पालतू कुत्ता रख्या हुंदा गरे वाला, उह सारे लीडरां दे खिलाफ बोलदा। इक दिन सच्ची लै कहिंदा भी रुद्दू सिंह तां कामरेड है, मैं कहा भी तैनू कौन दस गया मैं कामरेड हाँ? ठीक है, इत्थे दो विचार ने, एक विचार है समाजवाद, एक विचार है पूंजीवाद। असी आ जिहड़े लीडर बैठे हाँ सारे, असी समाजवाद विचार वाले लीडर हाँ, समाजवाद विचार है, पूंजीवाद वाले लीडर नहीं है। अज प्रेस मेरे घरे वग गई, मैं भी रात घर ही ठहरिया होया सीगा, तां प्रेस वाले ने घरदिआं नूं सद लिया भी सोनू गरे वाला, कहिंदा भी तुसीं प्रधान लड़दे रहिंदे हो। उहनें जवाब दित्ता करारा, उह कहिंदी प्रधान जी तां हजे कामरेड है ही नहीं, ते मैं तां कामरेडां दी कुड़ी हाँ, जंगीर सिंह जोगे दी भतीजी हाँ, मैं है ही कामरेडां दी कुड़ी। हुण जिहड़े बंदे कामरेड होवे होवे वो लड़ाई तो पासे भाजूगा, वह परिवार लड़ूगा। मैं एक ही गल कह के गल आप समा तो कहना, समा ध्यान रखना है।
रुड़दू सिंह ते 28 परचे दर्ज होए ने, समझ लियो हुण तुसीं। मेरे बेटे ते 18 परचे दर्ज होए ने मेरे नाल कम करदा। आ पिछले हफ्ते एक गरीब सेठ दी कोठी कुरकुंदी दी जिंदा लगदा सीगा, मेरे पोते ने आपदे नौजवान लिजा के वह कुरकी रोकी है ते दो रातां थाने च रहा, उते परचा दर्ज होया। मैं बधाई दा पात्र हां, तीजी पीढ़ी ते परचा दर्ज होया। चाहे सानू कोई भी कुछ कही जावे, ते जिहड़े इत्थे आगूआं ने जाखड़ साहब, वकील साहब, बसनोई जी, नौ मैं घट जाणदा, जिन्नी भी टीम है मैं सारिआं नूं बधाई दिंदा जिहड़ा ने इत्थे इन्ना इकट्ठ कीता, प्रबंध कीता। सारिआं दा धन्नवाद।